पिहोवा शहर में स्थित घर में बीते दिन हुई चोरी को लेकर पीड़ित मकान मालकिन किन्नन महंत मिली थाना प्रभारी से। थाना प्रभारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। बीते दिन पिहोवा शहर में स्थित किन्नन महंत सोनिया के घर दिन दिहाड़े एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी, जिसमें चोर का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। वहीं बीते दिन कार्रवाई की मांग को लेकर किन्नन महंत सोनिया में अन्य पिहोवावासी शहरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार से मिले और कार्रवाई की मांग की। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ लिया जाएगा और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हाँ जी नमस्कार जी, मैं पेवे से सोनिया महंत। ठीक है जी, आज हम थाने में आए थे SHO जी के पास। ठीक है, और मेरे शहरवासी मेरे साथ आए थे, मेरे वार्ड के MC 12 नंबर वार्ड के, ठीक है, वो भी हमारे साथ थे और हमारे शहरवासी सभी थे, हमारे आस पड़ोस वाले सभी आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका मुजरिम पकड़ा जाएगा जिसने आपके घर के अंदर मतलब लूटमार की है। नुकसान हमारा वही 3 लाख से 4 लाख के बीच बीच में हुआ है जी। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ये मांग करती हूँ मैं कि मैं अपने प्रशासन से और अपने पेवे वासियों से यही मांग करती हूँ, यही मांग कहती हूँ हाथ जोड़ के कि मेरा जो है जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। ठीक है, ये शहर के अंदर चोरी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पेवे के अंदर बहुत ही ज़्यादा चोरी फ्रॉड ये नशेड़ी, इनको इनसे हमें जल्द से जल्द हमें तो बंद करना चाहिए इनको। जितने भी ये नशेड़ी फिरते हैं हमारी गली में मोहल्ले के अंदर हमारे 12 नंबर वार्ड के अंदर, ओनली वैसे तो पूरे पेवे के अंदर ही इतना नशा बढ़ चुका है कि हद से ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई सेफ्टी नहीं है पेवे के अंदर। और वैसे हमें प्रशासन से पूरा विश्वास है, उन्होंने हमें 2-4 दिन जितने भी दिन का 2-3 दिन 4 दिन का हमें टाइम दिया है, वो जल्द से जल्द हमारा मुजरिम जरूर पकड़ाएंगे, हमें तो विश्वास है अपने शहरवासियों से, अपनी प्रशासन से, अपने अपना क्या नाम अपने वार्ड के MCOs से। ये MC खड़े हैं हमारे भाई, और श्री चक्रबानिया जी भी आए थे हमारे नगर पालिका के प्रधान, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, हमें बहुत विश्वास है। ठीक है, और विश्वास बना रहे हमारा, हम तो यही कहते हैं जी। हम यही कहेंगे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो काम हो रहा है ये बहुत गलत है, शहर में पहले ऐसा नहीं था, अब ये चोरियां और ये नशे की वजह से जो ये चोरियां वगैरह बढ़ रही हैं ना, ये बंद होनी चाहिए। वैसे तो हमें SHO साहब ने हमारे शहरवासी जो हैं सभी की तरफ से ये हिदायत है कि ये जल्दी से जल्दी ये बंद होंगे। इसमें जैसे सूचना मिली हमारे को मौका मुआयना किया और FSL की टीम मौके बुलाई गई थी, तो तुरंत इसमें FIR दर्ज कर दी गई है और CC फुटेज के आधार पर चोर को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपके माध्यम से मेरी जनता से ये अपील है, कोई भी शहर में कोई किसी प्रकार का नशा करता है तो उसकी तुरंत सूचना हमारे को दे, हम तुरंत नियम के अनुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे।